शेखर नाबड़ी साहब, ये एक सोचा जा रहा है कि किस तरह से जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार हमें मिला है उसको भी संरक्षित किया जाए और एक सुरक्षित माहौल बच्चों को दिया जाए, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मसले को? उन्हें शिक्षा का मूलभूत अधिकार है अप टू द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र तक उनको शिक्षा का मूलभूत अधिकार है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जो उन्नीकृष्णन के केस में जो जजमेंट है और उसके बाद भारत सरकार ने उसके बारे में कानून भी बनाया है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन भी, संविधान में भी संशोधन हुआ है और आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुआ है और वो फंडामेंटल राइट बच्चों को दिया गया है जी। नाफड़े साहब, एक इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, अभी ये पूरा राइट टू एजुकेशन तो है, हमने देखा सुना जो पिटीशन दाखिल हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए, इसी से जुड़ा एक सवाल और उठ रहा है, जिस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में जो एक स्कूल में घटना हुई उसके लिए अब मालिकों को दोषी ठहराया जा रहा है। ऐसी वारदातों के लिए जब स्कूल में कोई घटना होती है, आखिर जिम्मेदार पहली नजर में किसको माना जाए? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अकॉर्डिंग टू मी द स्टेट इज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन, वो सरकार की जिम्मेदारी है जी। लेकिन सिर्फ स्कूल की नहीं, पेरेंट्स की नहीं जी, सिर्फ सरकार की भी नहीं जी, ये सारे समाज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कि हम समाज में ऐसे हालात पैदा करें कि उनके सिक्योरिटी के बारे में सोचा जाए, कुछ प्रश्न निर्माण होना जी, नहीं चाहिए जी। अभी जो फिलहाल जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में टिप्पणी करना मेरी राय में ठीक नहीं रहे।